हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अर्जुन को पता चलेगा काशवी ठीक नहीं है। यहाँ पर उसके पापा बताएंगे कि कैसे काशवी ने उसके पैर से जहर चूस करके निकाला और वो खुद अपनी जान को खतरे में डाल गई। अर्जुन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो काशवी के पास जाता है लाख मना करने के बावजूद भी, और वो उससे कहता है कि काशवी उठो, होश में आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मुझसे झूठ बोलो चलेगा, सो अबार झूठ बोलो, लेकिन तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम्हें मेरे लिए ज़िंदा रहना ही होगा। काशवी से कहता है वो, मैं हाँ तुमसे गुस्सा था और पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया, लेकिन आई लव यू। काशवी तभी अचानक से उठ जाती है और वो उसे हक करता है। यहाँ पर काशवी अर्जुन से कहती है कि तुम ठीक हो, तुम पागल हो, तुम तो अभी बेहोशी से उठे हो, तुम यहाँ क्यों आ गए। तभी यहाँ पर वो डांटता है काशवी को, कहता है कोई ऐसे करता है, कोई अपनी जान ऐसे जोखिम में डालता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अर्जुन, और वो कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा झूठ नहीं बोलोगी। तभी यहाँ पर काशवी रोते रोते कहती है आई प्रॉमिस, मैं कभी भी यहाँ पर तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। तभी जगदीश और नित्या भी वहाँ आते हैं। नित्या सोचती है कि अब उसे इस चांस को अपने फेवर में यूज़ करना चाहिए। वो जगदीश से कहती है कि तुम्हें दादाजी को हमारे रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब काशवी और अर्जुन अकेले रहने चाहिए। जगदीश कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। काशवी अर्जुन यहाँ पर कहते हैं जगदीप और नित्या से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दादाजी का ख्याल रखेंगे। नित्या कहती है कि अरे तुम लोग टेंशन फ्री रखो ना, एक दूसरे का ख्याल रखो। जगदीश कहते हैं कि हाँ तुम दादाजी की चिंता मत करो। नित्या कहती है ओम से कि तुम सर्वेंट क्वार्टर में रह लो। अगले दिन का सीक्वेंस सिखाया जाएगा जहाँ पर नित्या जगदीश से कहती है कि तुम थोड़े फ्रूट्स ले आना लौटते में। तभी वो कहती है कि दादाजी अब यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये आपको मारने का एकदम बेस्ट टाइम है। तभी वो जाती है और सब कुछ तैयारी कर लेती है, और वो जैसे ही मारने वाली होती है वो कहती है कि मैंने देखा था शहनाज आपको क्या कर रही थी। तभी वो रिकॉल करती है कि कैसे शहनाज ने धमकी दी थी और उसने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है, तुम दादाजी को जैसे मार रही हो इसलिए मुझे शहनाज को मारना पड़ा, और जैसे मैंने शहनाज को मारा अब मैं आपको मारूंगी। दादाजी वहाँ पर आते हैं और ये सब को देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। नित्या भी देखती है उन्हें और उनको पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि दादाजी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जा रहे हैं। फ्लैशबैक की स्टोरी आपको नज़र आएगी यहाँ पर। तभी वो रिकॉल करती है कि कैसे उसने शर्मा को कॉल किया और वहाँ बुलाया और उसको सब कुछ बताया। शर्मा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुँचता है, कहता है कि दादाजी तो झूठ बोल रहे हैं और वो यहाँ थे ही नहीं। दादाजी सोचते हैं कि आखिर पुलिस कमिश्नर सिर्फ मेरी ही बात मानेंगे और मैं उन्हीं को बताऊँगा, वहाँ से चले जाते हैं। बाद में नित्या सोचती है कि दादाजी कहाँ हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो हाईवे पर हैं और वो जाती है शर्मा के साथ दादाजी को मारने के लिए। तभी वो दादाजी का एक्सीडेंट करवा देती है। वो नोटिस की कार फट जाती है और वो पैसे देती है ट्रक ड्राइवर को, उसे कहती है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। तभी वो कहती है कि अब दादाजी आप तो किसी को सच बता नहीं पाएंगे, अब क्या होगा आपका। तभी वो शर्मा से कहती है कि हमें ऐसे एक्ट करना है जैसे हमें दादाजी की डेथ के बारे में खुद इन्फॉर्म करना है पुलिस को। शर्मा कहता है कि ठीक है, हम अब धीरे धीरे आपके सब दुश्मनों से छुटकारा पा लेंगे। नित्या तभी रियलिटी में आती है और दादाजी को डराती है और चिल्लाती है कि आप जिंदा क्यों बचे। तभी वो कहती है कि अब आपको इस टाइम तो मरना पड़ेगा और मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको इस बार मैं अच्छे से मारूं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, और कल रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि नित्या दादाजी का गला घोटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एंड मौके पर वहां पर आ जाती है काशवी और वो दादाजी को मारता देख नित्या को देख लेती है और शॉक हो जाती है। पहले ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.